सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्निकल गुरुजी के एक और फ्रेश एपिसोड में। और मैं हूँ फिलहाल गूगल आई 2018 में। काफी कमाल माहौल है और यहाँ पर दोस्तों है तरह तरह के सैंड बॉक्सेस। यहाँ पर जो मेरे पीछे है फिलहाल वो है डिजाइन एंड एक्सेसिबिलिटी को लेके। ये है दोस्तों स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए खास चीज, जहाँ पे कैसे अपनी डिजिटल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे सैंड बॉक्सेस हैं यहाँ पे और ये देखते हैं आप, ये है डिज़ाइन एक्सेसिबिलिटी वाला। और यहाँ पे अंदर हमको मिलेंगी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो केटर करते हैं स्पेशली एबल्ड लोगों को, और बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हैं, चाहे फिर वो सॉफ्टवेयर साइड से हो चाहे वो हार्डवेयर साइड से हो। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी अभी कुछ ही देर पहले, और वो हम देखेंगे यहाँ पे। और ये जो है दोस्तों, ये है एक स्मार्ट स्पून, या फिर मैं कहूँ तो स्मार्ट फोक। तो ये दोस्तों एक स्पून है और इसमें ऐसा मैकेनिज्म है कि अगर आपका हाथ जो है या अगर आपकी जो ग्रिप है वो मान लीजिए कि स्टेबल नहीं है, आप अगर अपने हाथ को मूव करते हैं तो भी जो कंटेंट्स हैं वो बाहर नहीं गिरेंगे। खाना एकदम बेसिक चीज़ होती है, लेकिन उसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम है, मान लीजिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी रीज़न से, तो ये जो डिवाइस है ये काफ़ी चीज़ें मदद कर सकता है। और किसी भी एंगल पे अगर आप ले जाते हैं, अगर आपने हाथ को घुमाते भी हैं तो भी स्पून नहीं हिल रही है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस है यार, काफ़ी स्टेबलाइज्ड है। और ऐसे में चाहे फोक हो चाहे वो स्पून हो, आप अगर मूव करेंगे तो एटलीस्ट जो कंटेंट्स हैं वो नहीं गिर रहे हैं। आप अगर खाना खा रहे हैं कुछ भी है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसमें बाद में बैटरीज आप उसको चार्ज कर सकते हैं, और ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपका अगर हाथ हिल भी रहा है तो भी जो मोशन है वो इसके अगेंस्ट जाएगा, और ऐसे में जो स्पून है वो स्टेबलाइज्ड रहेगी। और ये इसके इंटरनल्स हैं, सर्किट्री एंड सम मोटर्स, साथ में बैटरी और बैलेंसिंग सिस्टम। बहुत बहुत नोवेल कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा यहाँ पे विजुअली अगर आप चैलेंज हैं तो उसके लिए कैसे आप यूआई के अंदर चीज़ें सीखते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे यूट्यूब में, चाहे वो कैप्शंस हों चाहे वो मैप्स में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हीलचेयर एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कि अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं और आपको जानना है कि वहाँ पे व्हीलचेयर से जा सकते हैं या नहीं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मैप से मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे YouTube लाइव स्ट्रीम्स के लिए जो ऑटोमेटिक कैप्शंस हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये सारी जो अप्रोच एक्सेसिबिलिटी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ऐसे में मतलब जो लोग नहीं ठीक से अगर कुछ चीज़ें कर पा रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट है कि वो भी डिजिटल लाइफ को एंजॉय कर पाएं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वो लोग जो देख सकते हैं उनके लिए यहाँ पे ब्रेल में। और यहाँ पे मजे की बात ये है कि ये जो चीज़ है ये बेसिकली इनपुट आउटपुट दोनों के लिए काम में आता है। और यहाँ पे या जितनी छोटी चीज़ें ये उभर रही हैं बाहर, जो भी आप सामने स्क्रीन पे लिख रहे हैं, आपने जो भी लिखा फॉर एग्जांपल टेक्निकल गुरुजी, तो टेक्निकल गुरुजी जो है वो बेसिकली यहाँ पे अगर आप हाथ फेरेंगे तो आप ये ब्रेल में पढ़ पाएंगे। और यहाँ से बेसिकली इनपुट भी देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं ए, तो ये मैंने दबाया बटन, ये ए के लिए है, ये सी के लिए हो गया। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है और इसी कॉम्बिनेशन से आप कंप्लीट ए टू जेड सब कुछ एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों के लिए है, काफ़ी कूल कॉन्सेप्ट है यार। तभी लोग इक्वली टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पा रहे हैं, तो फिर चाहे वो ब्रेल के मदद से हो, चाहे वो स्पून या फोक हो, चाहे वो डिज़ाइन में कुछ और इंप्रूवमेंट्स हो, चाहे वो This is the smaller variant for that? This is the smaller, yeah. I think it's 12 characters and that's 40. Okay. So, यहाँ पे जो हमने देखा था पीछे बड़े वाला, वो एक बार में पूरी लाइन दे सकते हैं, और यहाँ पे उसी का एक छोटा वेरिएंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम जाएंगे अगले सैंडबॉक्स में। आप सारी वीडियोस देख लीजिएगा, मैंने सारे सैंडबॉक्सेस कवर किए हैं। और फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो का शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपकी रोजाना ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।